आदमी पार्टी के सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के सचिव और बांदा जिला प्रभारी कमलेश पटेल तथा बांदा जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे बिजली पानी आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के बारे में हो। दिल्लीवासी हर बार अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है, भाजपा के नेता और मंत्री इन पर टूट पड़े हैं। वे दिल्ली गवर्नेंस मॉडल और यूपी गवर्नेंस मॉडल की तुलना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं, शिक्षा, शास्त्र, रोजगार, महिला सुरक्षा, बिजली पानी पर काम करते हैं। हमें स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिली हैं वह सुविधाएं यूपी की जनता को भी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बढ़ता देख, सरकारी स्कूलों की पोल खुलती देख योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में सरकारी स्कूलों की कायाकल्प योजना बनाई है। यूपी के सभी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को कायाकल्प योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि कोई सरकार अगर दूसरी सरकार से सीखकर जनता के लिए कुछ बेहतर करती है तो हमें अपने गवर्नेंस मॉडल पर गर्व है। लेकिन अगर योगी जी की यह योजना जुमला साबित हुई तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाने वाली है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी बांदा के जिला सचिव अवधेश कुमार गुप्ता, नीरज कछवा, पिंटू यादव, योगराज सिंह, संतोष कुमार गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगमन हुआ और क्या किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं नए वर्ष में आप सब लोगों को नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, उन सबको भी बधाई और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्षेत्र में जाके जो है विद्यालयों की फोटो खींच के जो है डालते हैं और जनता के बीच जनता को जो है वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। इससे उस विद्यालयों की पोल खुल जाने पर भाजपा सरकार के नेता उन्हें खलबलाहट मच जाती है और वो जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों को छुपाना शुरू किया। स्कूलों की हालत देखने के लिए आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह जी ने हर जिले में कार्यकर्ताओं को सरकारी स्कूल जाकर सेल्फी ले रहे हैं और स्कूलों के हालात जनता को दिखा रहे हैं। इस अभियान से उत्तर प्रदेश सरकार बौखला गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से भी छुपी कहीं सुविधा उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी संगठन को बढ़ता देखकर सरकारी स्कूलों की पोल खुलती देखकर योगी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल के पड़ाव पे विद्यालयों का कायाकल्प करने की बात करती है। इस चीज को देख के बड़ा ही अच्छा लगता है कि कोई सरकार किसी दूसरे सरकार के कार्यों को देखकर अपने काम को सुधारना चाहती है। इससे हमें अपने दिल्ली मॉडल पे गर्व होता है। अब अगर ये सरकार ऐसे ही उनका जो कायाकल्प का है अगर ये जुमला साबित हुआ तो अगले समय में जो है योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश से जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है, क्योंकि जनता और टकटकी लगा के आम आदमी पार्टी को देख रही है।